वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो समोसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया हाफ के जी के आसपास, और इसके अंदर हम टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे, थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे, और एक बड़ा वाला चम्मच भर के मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है मोमन के लिए। और अब इसका डो लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी डालकर, पानी एक साथ ना डालें इकट्ठा, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका डो लगाकर तैयार करेंगे। और मेरा डो लग के तैयार हो चुका है, इसके अंदर मैं ऑयल डाल के थोड़ा सा इसको मसल कर रख दूँगी। और इसको मसलने के बाद अच्छे तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको रख दें। और अब मैं इसको 20 से 25 मिनट के लिए रख दूँगी ढककर। तो मैं इसको ढक के साइड में रख देती हूँ जब तक मैं अपने आलू की फिलिंग बना लेती हूँ। तो मैंने गैस पर रख दिया कढ़ाई, उसके अंदर हींग डाल दिया, जीरा डाल दिया थोड़ा सा, और हरी मिर्च डाल दूँगी थोड़ी, और थोड़े डाल देंगे इसमें काजू ताकि इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाए। और इसको चलाने के बाद अब मैं इसमें मैश कर हुए अपने सारे आलू डाल दूँगी। आलू डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच भर के कुटा हुआ धनिया, 2 चम्मच डालें, धनिया कम ना डालें क्योंकि इसके अंदर धनिया ज़्यादा पड़ता है। और 1 बड़ा वाला चम्मच भर के अमचूर पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च कुटी हुई, थोड़ा सा नमक टेस्ट के अनुसार, और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। इन सारे आलू को निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर और ये ठंडे हो जाएंगे। और उधर मैंने मैदा के एक लोई ले ली है और इसको बेल लेंगे अच्छे तरीके से, जैसे कि हम रोटी बेलते हैं बड़ी सी, उसी तरीके से इसको भी बेलेंगे और इसको हाफ हाफ कर कट कर लेंगे। और एक पीस इसका उठाकर इसके अंदर हम एक साइड पर लगाएंगे पानी और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड को इसी के ऊपर फोल्ड करेंगे और ये तिकोने टाइप का बन जाएगा। और अब इसके अंदर अपनी आलू की फिलिंग भर देंगे अच्छे तरीके से और चारों तरफ पानी लगाकर पीछे से थोड़ा सा फोल्ड करें और इसको फिर चारों तरफ से अच्छे तरीके से चेक कर लें कहीं से खुला ना रह जाए। और इसी तरीके से सारे समोसे अपने भर लेंगे। और उधर हमारा कढ़ाई में घी भी गर्म हो चुका है। जब आप घी गर्म करेंगे तो मीडियम फ्लेम पर गर्म करें, हाई फ्लेम पर गर्म ना करें। और इसको अच्छे तरीके से सेक लें और ये समोसे सिक कर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं और सर्व करेंगे इसको अपनी धनिया पुदीने की चटनी के साथ। हरी चटनी के साथ समोसे तो लगते ही बहुत ही अच्छे हैं खाने में। और आप इस समोसे को दूसरी तरीके से भी खा सकते हैं। एक समोसा लीजिए और उसको बाउल में डालकर अच्छी तरीके से क्रश कर लीजिए और इसके अंदर डाल दीजिए थोड़े से छोले और थोड़ी सी चटनी और इसको खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और अगर आपको ये समोसे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।